गजाननम भूतवराद सेवितम कपेत्थेऽम्बुफल चारुवक्षिणम् उमासुतं शोक विनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरेत। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के और गणेश जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज सरस्वती देवी सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर से गणपति गजन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमको सदा सदबुद्धि बनाए रखना, हम सद मार्ग पर चलें और आपकी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। बोलो गणपति आनंद भगवान की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषि बनो राजा सोमकांत को भृगु जी ने राजा के पूर्व जन्म का चरित्र सुनाया और राजा से कहा कि राजन तुम्हारे इसी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तुम्हारी गति हुई है। जो पिछले जन्म में तुमने पुण्य किए थे उस पुण्य के अनुसार तुमको राजा की योनि प्राप्त हुई, राजसी परिवार में जन्म हुआ। जो तुमने गणेश जी के मंदिर का सुंदर व्यवस्था करी थी, गणेश जी के मंदिर को संभाला था और जो तुमने पाप किए उसी के कारण अब तुम्हें रोग ग्रसित हो गए हो। राजा ने भृगु जी से प्रार्थना करी कि हे गुरुवर कृपा करके मेरे उद्धार का मार्ग बताएं। भृगु जी कहने लगे कि हे राजन तुम्हें गणेश पुराण का श्रवण करना चाहिए। राजा कहने लगा भगवान गणेश पुराण क्या है, कृपा करके गणेश पुराण सुनाएं। भृगु जी कहते हैं कि हे राजन पहले समय पर यही प्रश्न व्यास जी ने ब्रह्मा जी से भी किया था। व्यास जी ने चारों वेद 18 पुराणों की रचना करी परंतु मन को जो शांति प्राप्त नहीं हो रही थी, व्यास जी का मन बहुत परेशान हो रहा था। तब व्यास जी ने ब्रह्मा जी की आराधना करी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र तुमने जो ग्रंथ प्रारंभ करे उसमें पहले गणेश जी की आराधना नहीं करी और ना ही गणेश जी के चित्रों का वर्णन किया है। व्यास जी ने कहा कि हे पितामह गणेश जी का चित्र क्या है, गणेश जी का स्वरूप क्या है, जो पार्वती नंदन गणेश हैं क्या उन्हीं की आराधना करनी है या इनसे अलग गणेश है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र इन्हीं गणेश का एक आदि गणेश रूप है, जो आदि गणेश रूप जिसे कृष्ण स्वरूप कहते हैं। गणेश और कृष्ण एक ही तत्व हैं, भगवान आदि नारायण ने ही गणेश का रूप धारण किया था, इनमें कभी भिन्नता नहीं है। केवल लीला करने के लिए पंच ओंकार अलग अलग स्वरूप धारण करते हैं। हे पुत्र पहले समय पर हमको भी तीनों देवताओं को भी यही भ्रम हुआ था। वैसे तो शिव और विष्णु एक तत्व हैं, शिव विष्णु गणेश दुर्गा सूर्य एक ही तत्वों से उत्पत्ति हुई है, ये ब्रह्म है, परंतु लीला के लिए एक दूसरे की उपासना करते हैं। सर्वप्रथम संसार की सृष्टि करने के लिए आदि गणेश जो विघ्न आता है उनसे जो ब्रह्म तत्व है उन पांच तत्व रूप धारण किए, फिर उन्हें इस ब्रह्मांड की सृष्टि के लिए
इस बार आदि गणेश को नियुक्त किया, आदि गणेश रूप की लीला करी। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे ब्रह्मांड में स्थापित करे, उनको प्रकट किया। ब्रह्मा विष्णु महेश सोच रहे हैं कि हम त्रिदेव किस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं। वैसी ब्रह्मांड को अपना संसार मान रहे थे, तब उन्होंने तपस्या करने का विचार किया। एकांत में बैठकर के तपस्या करे, उसी समय दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिस तेज के बीच में गणाधिपति थे। आदि गणेश को देख करके तीनों देवताओं ने प्रणाम किया। तब आदि गणेश ने तीनों देवताओं से कहा कि आप सृष्टि पालन श्रृंगार करें। त्रिदेवों को कार्य सौंपा, त्रिदेव ने सृष्टि पालन और श्रृंगार का काम दिया। ब्रह्मा जी सृष्टि रचने लगे। ब्रह्मा जी ने शक्ति प्राप्त करने के लिए सोच रहे थे कि किस शक्ति के आधार पर मैं रचना करूं। उसी समय पर सामने से एक बत वृक्ष दिखाई दिया, जो प्रलय के जल में अकेला बत वृक्ष था, जिसके पत्ते पर एक छोटा सा बालक शयन कर रहा था, जो नारायण और गणेश का मिला जुला स्वरूप था, जिसे बाल मुकुंद कहा जाता है। बतस्य पुत्र से पते सयानम बाल मुकुंदम मनसा स्मामी। उस बाल स्वरूप के दर्शन करते ही ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने की शक्ति प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची, भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन कर रहे थे। भगवान शिव जी अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर थे। उसी समय पर भगवान विष्णु के कान के मेल के द्वारा आठ शक्ति की लीला से मधुकेतव नामक दो देवत उत्पन्न हुए। आदि शक्ति और गणेश कोई भिन्न नहीं है, ये पंच ओंकार जो भिन्न नहीं है, योग माया के द्वारा प्रगट हुए। उन्होंने उनको भूख लगी, खाने के लिए ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी की तरफ चले। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आराधना करी। पर भगवान विष्णु योग निद्रा में लेते हुए थे, तब आज शक्ति योग माया की स्तुति करी। भगवान विष्णु जागृत हुए। उस समय मधुकेतव के साथ भगवान विष्णु का 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ, परंतु मधुकेतव पराजित नहीं हो रहे थे। तब भगवान विष्णु गणेश पुराण के अनुसार गंधर्व का रूप धारण करके बीड़ा वादन करते हुए कैलाश पर्वत के समीप पहुंचे। भगवान शिव जी ने पुष्प और पुष्पदंत नामक दो गणों को भेजा कि एक बीड़ा वादन करने वाला बहुत सुंदर वादन कर रहा है, मधुर स्वर से गा रहा है, मेरी स्तुति कर रहा है, इसे बुलाकर के ले आओ। भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान विष्णु की बीड़ा वादन और राग को सुनकर के भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश, संपूर्ण देवता बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शिव जी ने कहा कि आप अपनी इच्छा के अनुसार हे गंधर्व को वरदान मांग सकते हो। तब गंधर्व ने कहा कि हे देव प्रभु, हे भोलेनाथ, मुझे मधुकेतव को मारने की शक्ति प्रदान करें। भगवान शिव जी ने कहा, हे रमानाथ, आपको गंधर्व रूप दान करने की क्या आवश्यकता थी, आप वैसे ही सहायता प्राप्त कर सकते थे। हम पंच स्वरूप एक ही हैं, हम में तुम में कोई अंतर नहीं है, हम एक ही तत्व हैं। फिर भी तुम अगर मधुकेतव को मानना चाहते हो, तुमने गणेश जी का ध्यान नहीं किया, क्योंकि गणेश जी को हमने सर्वप्रथम देवता मान रखा है, इसी के कारण ये विघ्न आया है। तुम गणेश जी की आराधना करो। भगवान विष्णु ने 100 वर्ष तक गणेश जी की तपस्या करी, आदि गणेश उत्पन्न हुए। आदि गणेश ने कहा, हे हरि, अगर आपने पहले मेरा ध्यान कर लिया होता तो ये विघ्न नहीं पड़ता। अब आप मधुकेतव को मार सकते हो, माता आदि शक्ति का ध्यान करो। माता आदि शक्ति का ध्यान करके भगवान विष्णु ने मधुकेतव का नाश किया। इस तरह से भगवान गणेश कि बिना कृपा दृष्टि से त्रिदेव भी कुछ नहीं कर सकते।
क्योंकि वो विघ्न हरता है, विघ्न डाल भी देते हैं, इसलिए गणेश जी की आराधना आवश्यक है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, ब्रह्म जी ने कहा कि हे राजन, अब तुम्हारे सामने राजा भीम का उपाख्यान सुनाता हूं। ब्रह्म जी ने सोमकांत से कहा कि हे राजन, बेदर्भ देव की देश की घटना घटी थी। उसकी राजधानी कौंडिन्यपुर थी। वहां पर भीम नामक एक प्रसिद्ध राजा राज करता था। उस राजा की पतिव्रता पत्नी का नाम चारुहासिनी था। उसका दाम्पत्य जीवन जो है हमेशा पति की सेवा में व्यतीत हो जाता, परंतु राजा रानी को बड़ी अवस्था होने पर भी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। संतान प्राप्ति के लिए राजा बहुत चिंतित हो गए। राजा रानी को चिंता हुई, अनेक प्रकार के उपाय किए, पर राजा रानी को किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हो सकी। तब राजा ने सोचा क्या उपाय करना चाहिए। अपने विश्वास पात्र मंत्रियों को राज सौंप करके राजा ने कहा कि जब तक मैं लौट करके नहीं आता तब तक तुम्हें राज्य की देखरेख करनी है। राजा उसी समय वन में विश्वामित्र जी के आश्रम में गए, जाकर के प्रणाम किया। महर्षि ने कहा राजन किस प्रयोजन से आए हो। राजा बोला के प्रभु वृद्धावस्था हो गई, फिर भी मेरे वंश में कोई संतान नहीं हुई है, मेरा वंश कैसे चलेगा। मेरे पिता रो रो कर के पिंडदान लेते हैं, इसलिए मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए सुपात्र पैदा हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। महर्षि ने कहा राजन तुमने पूर्व जन्म में भगवान गणेश जी का अपमान किया था, इसी कारण से तुम्हारी कोई संतान नहीं हुई है। गणेश जी ने इसलिए विघ्न डाल रखा है, इसलिए गणेश जी की आराधना करने से विघ्न दूर होता है। हे राजन तुम चिंता ना करो, तुम्हारी प्रतापी पुत्र अवश्य होगा। हे राजन तुम्हारे कुल में पहले एक राजा हुआ था, उस राजा के एक प्रतापी पुरुष था जो तुम्हारा पूर्व जन्म बताता हूं। उसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी, उसके एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो पुत्र गूंगा बहरा विकलांग था। उसके शरीर से दुर्गंध आती थी, इसलिए राजा रानी बड़े ही परेशान रहते थे। अनेक प्रयत्न करने पर भी, अनेक प्रकार के इलाज कराने पर भी उस बालक का रोग दूर नहीं हुआ। तब किसी ब्राह्मण ने कहा कि राजा और रानी, हे राजन अगर राजमाता रानी अपने पुत्र को लेकर की तीर्थ यात्रा करे तो उस बालक की बीमारी अवश्य दूर होगी। रानी जो है उस बालक को लेकर के तीर्थ यात्रा करने लगी। एक नगर में पहुंची जहां पर शिव जी का मंदिर था, परंतु रास्ते में कुछ चोरों ने रानी को और उस राजकुमार को लूट लिया। बेचारे उस शिव मंदिर में जाके शरण ली। उस शिव मंदिर में अपने बालक को लिटा करके रानी गांव में नगर में भिक्षा लेने के लिए गई। उस मंदिर में एक ब्राह्मण रहता था, उस ब्राह्मण के शरीर से हवा स्पर्श करके जाती, जहां तक जाती वहां तक सभी दुखों से मुक्त हो जाते थे। ब्राह्मण के शरीर से हवा के स्पर्श से वो बालक निरोग हो गया, सुंदर हो गया, सभी बीमारी नष्ट हो गई, सुंदर राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया। रानी आई, सब कुछ देखा, नगरवासियों से पता किया। तब नगरवासियों ने बताया कि हे रानी वो ब्राह्मण भगवान गणेश जी का अनन्य भक्त है। रानी ने भी अपने पुत्र के साथ में गणेश जी की उपासना करनी प्रारंभ कर दी। ब्राह्मण से दीक्षा लेकर के उपासना करी, गणेश जी प्रकट हुए। उसी समय पर गणेश जी ने प्रकट होकर के कहा कि तुम मुद्गल ऋषि के आश्रम में चले जाओ, वहां जाकर के तुम गणेश जी की आराधना करो। ओम गं गणपते नमः, तो केवल ओम गं इस मंत्र का, एकाक्षरी मंत्र का ओम गं इस मंत्र का 10 लाख संख्या में जाप करो।
राजा भीम ने जिज्ञासा करी कि मुनिवर आपके मुख से ये चित्र सुनकर के मुझे आश्चर्य हो रहा है। कुछ ब्राह्मण के शरीर में ऐसी सुंदर वायु कहां से उत्पन्न हुई जो बालक भी रोग मुक्त हो गया। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन गजानंद जी चाहें तो किसी को भी कोई भी सिद्धि प्रदान कर सकते हैं। इसका भी चित्र सुनाते हैं। एक समय की बात है, सिंधु देश में पल्ली नामक ग्राम में धनिक वैश्य रहता था। उसका नाम कल्याण था। वो धनिक वैश्य अपने पुत्रों के मित्रों के साथ में वन में चला गया। वहां पर उसने एक शिला देखी जो मूर्ति के समान थी। उन्होंने उसे गणेश्वर का नाम देकर के पूजन आरंभ करा और मंडप बनाकर के उत्सव मनाने की योजना करने लगा। उस दिन से उसने अपने सब मित्रों के साथ दिन रात वहीं पर गणेश जी की उपासना करने लगा। इधर जब वो घर नहीं पहुंचा, जो उसका बेटा था वो गणेश जी की आराधना करता घर नहीं पहुंचा, माता पिता को बड़ी चिंता हुई और खोजते हुए वहां पर आए। उन्हें देखकर के माता पिता ने कल्याण धनेश्वर से कहा कि तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालकों को पागल बना दिया है, ये शिला की आराधना करता रहता है, घर पर भी नहीं जाता, या तो बच्ची को सुधार लो, अंतम कठोर दंड देंगे। हे राजन, इधर जो है उन सभी लोगों ने गणेश्वर की शिला को उठाकर के दूर फेंक दिया, बालकों को भगा दिया। उस वैश्य का पुत्र, कल्याण का पुत्र बल्लाल को बड़ा कष्ट हुआ। उसने हाथ जोड़कर के गणेश जी से निवेदन किया और अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप गणेश जी का निरादर मत कीजिए, ये प्रभु समस्त कल्याण को देने वाले हैं, विघ्नों के हन करने वाले हैं। पंडु बेश ने क्रोधवश करे मूर्ख इस पत्थर को सर्वात्मा कहकर के तो मेरा अपमान कर रहा है, मैं देखता हूं गणेश तेरे कष्टों को कैसे दूर करते हैं। कल्याण ने अपने पुत्र को पेड़ से बांध लिया। उसी समय वो बालक गणेश जी का ध्यान करने लगा। इस बालक को अपने पिता की निष्ठुरता पर क्रोध भी आया। उसने उन्हें श्राप दे दिया कि तुमने मुझे इस निर्जन वन में पिताजी अकेला छोड़ दिया है, इसके फलस्वरूप तुम बहरे गूंगे अंधे विकलांग हो जाएंगे। इसी कारण से वो दूसरे जन्म में ये बना था। इधर वृक्ष से बना रहकर के बालक कोमल अंगों को रगड़ने लगा। उसको पीड़ित देख करके गजानन जी बड़े दुखी हुए। गजानन जी का ध्यान किया, गणेश जी को जब विघ्न का हर्ता का ध्यान किया, तभी उसने देखा एक ब्राह्मण आ रहा है। उसने बालक के बंधन खोले और जैसे शरीर पर हाथ फेरा, शरीर के सभी कष्ट दूर हो गए और कहा, बस तुम्हारी पुकार सुनते में आया हूं, तुमने पिता को जो श्राप दिया है वो सत्य होगा, तुम्हारे पिता उसे भोगेंगे और तुम्हारा नाम बल्लाल विनायक के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा, ये स्थान बल्लाल विनायक के नाम से कहा जाएगा। इस कल्याण का शरीर उसी समय से रोगग्रस्त हो गया था, उसे दुर्गंध आने लगी थी, वो बहरा गूंगा विकलांग हो गया था। उसकी दशा देखकर के पत्नी को बहुत दुख हुआ। वो पुत्र को देखने के लिए अरण्य में गई। उसे देखकर गणेश जी की पूजा में लगा देखा, चाहे पुत्र तू घर पर चल, तेरा पिता बहुत कष्ट में है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का परम कर्तव्य है। बल्लाल उसी समय शांति पूर्वक रहकर कहे, माता संसार माता पिता ये तो अनित्य है, माता पिता तो भगवान गणेश्वर हैं, इनकी शरण में हूं, इन्हीं भगवान का निरादर करने से उनकी ये दशा हुई है, अब उनकी सेवा करना तुम्हारा भी कर्तव्य है, क्योंकि पत्नी के लिए पति की सेवा सर्वोपरि है, माँ तुम उनकी सेवा करो। माता ने कहे, पुत्र अपने जन्मदाता पिता को श्राप से मुक्त कर दो, मैं तुमसे विनय करती हूं। ये सुनकर के बल्लाल ने कहा, जननी मैं कुछ नहीं कर सकता,
अगले जन्म में तुम एक राजा की महारानी बनोगी। तुम्हारा पुत्र गूंगा, बहरा, विकलांग, दुर्गंधी युक्त होगा। उसके कारण तुम्हारा पति उस पुत्र के साथ तुम्हें घर से निकाल देगा। एक शिवालय में गणपति भक्त ब्राह्मण के स्पर्श से उस पुत्र का शरीर निरोग सुंदर हो जाएगा। उसी घटना के अनुसार उस राजा के पुत्र के साथ में घटना घटी। विश्वामित्र कहते हैं कि आगे का वृतांत सुनो। कोदंडपुर नगर के निकट एक महावन था, जिसमें भगवान गणेश जी का सुंदर मंदिर था। उस मंदिर में जाकर के गणेश ने एकाक्षरी मंत्र का जाप किया। उसी मध्य उनके अपने पुत्र को हाथी पर सवार देखा। वो स्वप्न में उसने माता को सुनाया तो बोली के पुत्र, स्वप्न तो बड़ा ही सुंदर है, हाथी के दर्शन करना गणेश जी के दर्शन करने के बराबर है। काल की गति बड़ी विचित्र होती है राजन। कोदंडपुर में आगे चल के उसी राज्य में चंद्रसेन नाम का राजा राज करने लगा। उसकी मृत्यु भी हो गई, सर्वत्र शोक छा गया। तभी एक वेद वेदांग के ब्राह्मण ने आकर के, जिसकी जितनी आयु होती है उतना जीवित रहता है, परिवार को सांत्वना प्रदान करी थी। फिर आगे चल के राजा के कोई पुत्र या परिवार जन नहीं था, इसलिए प्रधान अमात्य ने उसका अंतिम संस्कार किया। अमात्य बैठकर के विचार करने लगा किसे राजा बनाया जाए। उसी समय महसी मृदुल आ गए। अमात्य के पूछे पर महसी ने कहा कि हाथी अपनी सूर में माला लेकर के जाए, जिसको माला पहनाएगा उसी को जो है राजा बना दिया जाए। महसी की आज्ञा से आयोजन किया गया। उसी समय जो रानी का पुत्र जो गूंगा, बहरा, विकलांग था, जो सर्वत्र सुंदर हो गया था, उस नगर में भ्रमण करने के लिए आया। हाथी ने उसके गले में माला डाल दी। अब वो पुत्र जो है राजा बन गया। राजा बनाकर के घोषित कर दिया गया। वीरसेन की पुत्री से उसका विवाह हुआ। उसके वैद्यवान नामक एक पुत्र हुआ। उसको राज्य देकर के राजा बन को चला गया। वैद्यवान का पुत्र खदंगधर हुआ। खदंगधर का पुत्र सुलभ हुआ। उसका पुत्र पद्माकर हुआ। उसका वपुर दीप्त हुआ। उसका पुत्र चित्रसेन हुआ। और हे राजन भीम, चित्रसेन के पुत्र तुम बने हो। जो तुम्हारा वो जो विकलांग राजा था, वो तुम दोबारा जन्म लेकर के तुम्हारे यहां पर तुम अवतरित हुए हो। और वैश्य कर्म में तुमने निंदित कर्म करे, फिर वो योनि भोगी। अब ये योनि तुम्हें यहां पर भोगनी पड़ रही है। इसलिए भगवान गणेश जी की आराधना से उसी तेजस्वी वंश में तुम उत्पन्न हुए। व्यास जी कहते हैं कि ऋषिवरों, इस प्रकार से गणेश जी की कृपा से उस राजा को, वैश्य पुत्रों को भी दुखों से मुक्ति मिली थी। ब्रह्मा जी व्यास जी को कथा सुना रहे हैं, सूर्य जी शौनक ऋषियों को सुना रहे हैं, और भृगु जी राजा सोमकांत को कहते हैं कि हे राजन, आगे की कथा तुम्हें वर्णन करता हूं, जिसमें रुक्मांगद राजा की संकट से निवृत्ति हो जाती है। फिर मुकुंदा की दुष्टता के कारण गिर समद का श्राप लगता है, और जिसमें गिर समद अपनी माता को श्राप देता है। गणेश जी किस तरह से इनका उद्धार करते हैं, उसका वर्णन आगे की कथा में आपको सुनाया जाएगा। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। बोलो गुरु गजानन भगवान की जय।